सच। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की आज अगले 15-20 मिनट में प्रचार का ये माइक बंद हो जाएगा, सड़कों पे वोट मांगने का ये जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक मंथन शुरू होगा। मैं इस मंच से जहां पे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी बैठे हैं, जहां इस समय पूरे प्रदेश को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा संबोधित कर रहे हैं, हम सभी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी के समर्थन में आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं। वैसे तो उनका नाम डॉक्टर जितेंद्र जामदार है, लेकिन हमको बहुत जानदार दिख रहे हैं। मुझे जाना था सिंगरौली, लेकिन इस बारिश में हमारा हम सबका हेलीकॉप्टर फंस गया, नहीं उड़ पाया, तो मुझे भी जबलपुर के लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य हो गया। हम और आरएमए बीडी शर्मा जी, हम लोग पहले भोपाल गए आज सुबह, भोपाल से हम सब सागर गए, और सागर से जब हम सिंगरौली की यात्रा कर रहे थे तभी मौसम ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन जो रास्ता में हम दिखने वाली होकर मतलब अलगे बाटे ही भैया। बरखा होत रहा है, लोग मोटरसाइकिल पे चल रहा हुआ, बारिश होते होते चलने का ये जो मंजर था, मुझे अपना एक गाना याद आ रहा था, मैंने अभी थोड़े समय पहले गाया है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान चढ़ने लगा है, और जबलपुर भी जगने लगा है, और कमल कमल का झंडा खिलने लगा है, और जब ये जलत आएगा बीजेपी के पक्ष नजारा क्या होगा, सोचिए तो प्रदेश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। हमने तो जमदार दिया है, हमने जानदार दिया है, और बीडी शर्मा ने कैंडिडेट जानदार दिया है, और पानी बरसा करे पर ये जो उत्साह हमारा क्या होगा, सोचिए जब जानदार जीतेंगे तो जबलपुर प्यारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। हमारा इशारा आप लोग समझ रहे हैं, मैं जबलपुर से बहुत, जब जबलपुर आता हूं तो एक नई ऊर्जा लेकर के जाता हूं। दिल्ली का सांसद भले हूं, दिल्ली का दूसरी बार सांसद हूं, एक बार एक कार्यकाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी गया, लेकिन जबलपुर लोग के लोगों को पता है, और उनको मनोज तिवारी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग अभी तक लोकतंत्र को परिवारवाद में जकड़ के रखे हैं, उनको सबक सिखाना है, कमल खिलाना है, जानदार को लाना है, एक डॉक्टर को अपना सेवक बनाना है। ऐसे कई डॉक्टर साहब है, एक डॉक्टर को अपना सेवक बना लीजिए, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा, होगा भी तो तुरंत निदान हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भारत माता की। सिर्फ सच।